जब जियान और सुनिया मुझे बहुत परेशान करे तब मैं उनसे बचकर जल्दी वहाँ से भाग सकूं। ऐसा कोई गैजेट तो ना डोरेमोन। तुम भी ना नोबिता, गैजेट लेने की जगह तुम्हें खुद को इतना अच्छा बनाना चाहिए कि कोई तुम्हें परेशान ना करे, नहीं तो तुम हमेशा डरपोक और कमजोर ही बने रह जाओगी और सब तुम्हारा मजाक बनाते रहेंगे। तुम मेरे बारे में ऐसी बात क्यों कर रहे हो? लेकिन मैं तो बस तुम्हें समझा रहा हूँ। रहने दो डोरेमोन, तुम हमेशा कोई बेकार सा गैजेट बाहर निकालते हो। क्या कहा तुमने? तुम खुद ना समझो इसलिए हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहते हो। डोरेमोन, अच्छा ही हुआ वो यहाँ से चला गया। अब मैं नोबिता से कभी नहीं मिलूंगा। दादाजी को कितनी परेशानी हो रही होगी। उसे परेशान होना भी चाहिए, समझ गए तुम? अब वापस नहीं जाने वाले? नहीं जाऊंगा जब तक नोबिता मुझसे रोकर माफी नहीं मांग लेता। इस बार जियान और सुनियो मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। आराम से। वो नोबिता है ना? अब तो मैं बाहर भी नहीं जा सकता हूँ। तुम्हारा स्वागत है नोबिता। डोरेमोन, फिक्र हो रही थी इसलिए आ गई। तुम बहुत अच्छी हो, उस डोरेमोन से तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। अरे हाँ, क्या तुम अब से यहाँ पर मेरा ध्यान रखने के लिए रह सकती हो? मैं ये नहीं कर सकती। तुम ये नहीं कर सकती? पता नहीं आज के बाद मैं अपनी जिंदगी कैसे जीऊंगा। तो उसके लिए जब तुम इससे अपने पसंद का गैजेट ऑर्डर करोगे तो ये बताएगा कि उसे कैसे बनाते हैं। बनाते कैसे हैं? इसे मुझे पूरा एक बना हुआ गैजेट देना चाहिए दोनों। ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, अब ये लो। जब कोई मुझे परेशान करे तब मैं वहाँ से भाग सकूँ, मुझे कोई ऐसा गैजेट चाहिए। कॉकरोच है? नाम अच्छा नहीं है लेकिन ये बहुत अच्छा गैजेट हो सकता है। नहीं, मुझसे तो ये सब बिल्कुल नहीं होगा। अरे नहीं, बिना कोशिश के हार मान रहे हो। इस गैजेट को बनाने का एक आसान तरीका यहाँ लिखा हुआ है। दुश्मनों की मौजूदगी बताने के लिए फिश आई लेंस है। ये कंप्यूटर बताएगा कि तुम्हें किस दिशा में भागना है। रेडार एंटीना से आसपास की चीजों के बारे में पता लग सकता है। इलेक्ट्रिक पोल से शरीर में करंट आएगा जिससे तुम हर काम जल्दी कर सकते हो। तो फिर सामान तुम्हें इसमें मिल जाएगा। तो चलो अब हम गैजेट बनाते हैं। जो लिखा है वो करना है, सब आसान होगा। ये सच में तैयार हो गया। देखा, आसान है ना? इसे पहनते ही तुम बिल्कुल एक कॉकरोच की तरह तेज भागने लगोगे। पता नहीं क्या होगा, चलो ट्राई करता हूँ। अरे नोबिता, अच्छा हुआ तुम आ गए, बाजार जाना है। ये नोबिता कहाँ चला गया? अगर आप कहें तो मैं बाजार चली जाती हूँ। ये तो बहुत अच्छा है, अब मैं जियान और सुनियो से बच सकता हूँ। पता नहीं वो नोबिता कहाँ चला गया है। हाय हाय, तुम दोनों मुझे ही ढूंढ रहे हो ना? नोबिता, वो ना समझे जो हमारे पास आ रहे। सुनो नोबिता, तुम बहुत डरपोक हो। हाँ मुझे पता है, लेकिन उसने तुम्हें क्या क्या कहा? तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। अरे ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? अभी बताता हूँ तुमने। तुम्हें आखिर मैंने इस गैजेट से कर ही दिखाया। कॉन्ग्रेचुलेशंस नोबिता। तो ठीक है फिर, अब मैं वापस जा रही हूँ। क्या ये सच है? इस इन्वेंटर मशीन से तुम अब खुद बहुत सारे गैजेट बना सकते हो, लेकिन जितनी जल्दी हो सके तुम प्लीज भैया को मना लेना। ठीक है डोरेमोन, तुम्हारा शुक्रिया।
कौन सा नया गैजेट बनाना चाहिए? बैम्बू कॉप्टर तो बहुत ही बोरिंग होता है, मुझे वो गैजेट चाहिए जो डोरेमोन के पास नहीं है। प्लीज हवा में उड़ने वाली कोई नई मशीन बनाओ। ये आ गया, हवा में चलने की मशीन। इस गैजेट की मदद से तुम अपने दोनों पैरों से हवा में आसानी से चल सकते हो। ये तो बहुत मजेदार है। सारे पाइप्स को जॉइंट से जोड़ दो, उस पर बेल्ट लगा दो। हो गया। लेकिन इससे कैसे उड़ सकते हैं? दायां पैर हवा में उठाओ, फिर बायां पैर उठाओ जब दायां पैर नीचे जाता है। इससे तुम फास्ट स्पीड में करते रहो, फिर तुम उड़ सकते हो। क्या ये सच है?
मैंने भी तुम्हें अपने पैसे दिए हैं। अगर मैं सुनियों से हार गया तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे नहीं, मुसीबत हो जाएगी। नोबिता, डोरेमी, सुनो, क्या तुमने भैया से बात करना शुरू कर दिया? वो सब बातें छोड़ो डोरेमी, दरअसल आज मैं तुमसे बिल्कुल नहीं हारने वाला। मैं भी अभी तुमसे यही कहने वाला था। अंजीर का जाम जरूर बनाएगी। जाम भी बहुत अच्छा होता है।
चीर ले जाएगी। बिल्कुल सही कहा तुमने, हम उन्हें कभी नहीं बताएंगे। चलो अब हम शिज़ुका को भी बुलाते हैं। क्या कहा आपने? आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ, वो भी मछली पकड़ने के लिए गए हुए हैं, इसलिए अभी आपकी ये सारी बातें मैं उन्हें नहीं बता पाऊंगी, माफ कीजिएगा। हाँ, मुसीबत हो गई, ये बहुत जरूरी बात है, अब उन्हें कब बताऊंगी। अरे हाँ, मैं गैजेट निकालता हूँ। लेकिन तुम उससे क्या शुरू करने वाली हो? इससे हम उन्हें वॉइस मैसेज भेज सकते हैं और लेटर भी भेज सकते हैं, जो लोग दूर हो उनके लिए। अच्छा, पहले हमें बताओ कि डैड कहाँ है। अरे डैड, उसके बाद इस बटन को दबाकर वो मैसेज कहो जो पहुंचाना चाहते हो। डैड, डायरेक्टर को आपसे बहुत जरूरी काम है। जल्दी उनसे बात कर लीजिए। हो गया, और अब लॉन्च। ये तो दीवार के पास चला गया। पकड़ ली, ये बड़ी हो सकती है। डायरेक्टर को आपसे बहुत जरूरी काम है। जल्दी उनसे बात कर लीजिए। डायरेक्टर को बहुत जरूरी काम है। लगता है आपको वहाँ फोन ढूंढ रहे हैं। मैं मॉम को बता देता हूँ। मॉम, हमारी डैड से बात हो गई है। बहुत अच्छे, शुक्रिया बेटा। अरे हाँ, डोरेमोन, मुझे एक अच्छा आइडिया आया है, क्यों ना हम इससे शिज़ुका को भी। हाँ, चलो एक मैसेज भेजते हैं। अब जल्दी से शिज़ुका को ढूंढो। पर उसके पहले नोबिता, तुम क्या कर रहे हो? वो तुम बस देखती जाओ। मॉम, ठीक है, वो घर पर नहीं है। अरे नहीं, नाश्ता चुराना गलत बात है, और जियान खुद के घर से नाश्ता चुरा रहा है। Thank you.
अगर जियान और सुनियो सारे अंजीर ले लेते हैं तो हमारे लिए कुछ नहीं बचता। बिल्कुल सही कहा तुमने। वो दोनों किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। और वो दोनों बहुत ही लालची, जिद्दी और लड़ाकू भी हैं। आ, 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 आ,